Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and today I am with first chapter of our history of class 7th, which is the Mughals from 16th to 17th century. So here we are going to study about a 100 years time span जिसमें हम मुगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी डाइवर्सिटी थी लोगों में और कल्चर में भी, तो हमें एक मतलब इस इतनी बड़ी टेरिटरी को रूल करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो सकता था और डिफ़िकल्ट था भी. बट मुगल्स ने ये चीज़ डिस्कस की और उन्होंने पॉसिबल बना दिया काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है, 16th सेंचुरी का जो लेटर हाफ था उसमें उन्होंने अपने किंगडम को आगरा से लेकर दिल्ली तक पूरा एक्सपेंड कर दिया और जब तक 17th सेंचुरी आई तब तक उन्होंने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में अपना कंट्रोल बिछा लिया था. ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाए जिसमें उन्होंने गवर्नेंस की आइडिया दी और कैसे कैसे रूल होना चाहिए. ठीक है, एक पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ दी उन्होंने. ठीक है, सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. देखो, आज जहाँ पे प्रधानमंत्री इंडियन इंडिपेंडेंस डे में जहाँ पर खड़े होकर स्पीच देते हैं, जहाँ पे हमारी कंट्री को एड्रेस करते हैं, वो जगह है रेड फोर्ट और वो रेड फोर्ट भी मुगल एम्परर्स ने ही बनाया था दिल्ली पे. ठीक है, दिस इज रेड फोर्ट. सो मुगल्स थे कौन बेसिकली? मुगल्स ना दो बहुत ही ग्रेट लीनेजेस से आते थे, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब दो फैमिली थी और वो काफ़ी दोनों ही काफ़ी ग्रेट लीनेजेस थे, जिसमें से अगर वो मदर साइड की अगर हम बात करें तो वो गेंगिस खान की तरफ से आते थे मदर साइड में, जो कि एक मंगोल रूलर्स थे जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के पार्ट को रूल किया. और फादर्स के साइड में वो आते हैं दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर. ठीक है, जो कि 1404 में डाइड उनकी डेथ हुई और उन्होंने ईरान, इराक और आज जिसको हम टर्की जानते हैं उसको भी उन्होंने राज किया था. ठीक है, वो मुगल्स को ना अच्छा नहीं लगता था जब उनको मुगल्स या मंगोल बोला जाता था, बिकॉज दिस वॉज बिकॉज जो भी उनकी गेंगिस खान की मेमोरी थी ना वो मैसकेयर से एसोसिएटेड थी, क्योंकि जो गेंगिस खान था उसने बहुत लोगों को मारा था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी थी उन्होंने. ठीक है, इननोमरेबल पीपल को उन्होंने मारा था. ठीक है, उसके अलावा जब वो उस बेग्स जो मंगोल्स थे वो उस बेग से भी कहीं ना कहीं लिंक थे और उस बेग्स क्या थे वो उनके कंपेटिटर्स थे. ऑन द अदर हैंड मुगल्स प्राउड फील करते थे तिमुरिड एंसेस्ट्री का, अपने फादर वाले साइड का, बिकॉज मतलब नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड इन दिल्ली 1398. ठीक है, उन्होंने अपनी जीनोलॉजी का पिक्चरली बहुत ही सेलिब्रेट किया एंड ईच रूलर्स गेटिंग अ पिक्चर नेम तैमूर एंड हिमसेल्फ. उन्होंने हर एक मतलब फोटो बनाई उन्होंने और उसमें तैमूर और खुद को दिखाया. ठीक है, मुगल की मिलिट्री कैंपेन कैसी हुआ करती थी? बाबर जो कि मुगल का फर्स्ट एम्परर था, विच वॉज फ्रॉम 1526 टू 1530, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना. फरगाना का जो थ्रोन था, तख्त था, उसको उन्होंने जीता 1494 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे. ठीक है, बट उनको अपना जो उनका जो भी एंसेस्ट्रल थ्रोन था वो उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज जो मंगोल ग्रुप थे उस बेग्स का जो है वो इन्वेजन हो गया, मतलब उन्होंने आक्रमण कर दिया. ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल. काफ़ी साल वो घूमे, फिर बाद में उन्होंने काबुल में वो गए और 1526 में उन्होंने दिल्ली का जो सुल्तान था उस टाइम, डैट वॉज इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत की लड़ाई में हरा दिया और दिल्ली और आगरा को जीत लिया. ठीक है, पानीपत की जो लड़ाई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. ठीक है, 1256 में, जिसमें वो जीत गए थे और दिल्ली और आगरा को उन्होंने फिर से अपने कब्जे में ला लिया था. मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. देखो, जो मुगल थे ना वो जो मतलब उनका जो भी वो था कि वो उनमें नहीं बिलीव करते थे. जो भी वो होता है ना, हेरिडेटरी होता है, जैसे अभी फादर था तो उसके बाद उनका बेटा रूल करे, ऐसी चीज़ पे वो बिलीव नहीं करते थे. ठीक है, उनका ये मानना था कि जो एबल है, ठीक है, मतलब जो भी कर सकता है अच्छे तरीके से उनको रूल करना चाहिए. ठीक, सो हियर instead of following the Mughal and the Timurid custom of co-operancy inheritance or a division of inheritance amongst all the son. ठीक है, so देखो मुगल की जो यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें लिखा था मुगल मैरिजेस विद द राजपूत्स. सो जहांगीर की जो मदर थी, द मदर ऑफ जहांगीर,
वॉज अ कच्छवाला प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर, ठीक है, जिसको आज हम जयपुर भी बोलते हैं। और उसके अलावा शाहजहां की जो मदर थी वो एक राठौर प्रिंसेस थी जो कि मरवाड़ के जो राजपूत रूलर थे उनकी बेटी थी, ठीक है। मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगल का और रूलर्स के साथ कैसा कैसा रिलेशंस था। देखो जो मुगल का जो कैंपेन था वो मतलब बेसिकली रूलर्स के अगेंस्ट जो था ना वो कहीं ना कहीं रिफ्यूज ही करता था टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, बिकॉज इसका रीज़न ये था कि बिकॉज एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होते जाते थे और अदर जो भी और रूलर्स थे वो चाहते थे कि वो उनको और वॉलंटरी ज्वाइन कर ले, ठीक है। राजपूत काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि राजपूत जो थे, राजपूत की जो भी बेटियाँ थी वो आगे मुगल फैमिलीज में शादी कर लेती थी एक हाई पोजिशन के लिए, ठीक है। बट काफ़ी रिजिस्ट भी किया, काफ़ी उन्हें मना भी किया, ठीक है। जैसे सिसोदिया राजपूत, जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया मुगल अथॉरिटी को, काफ़ी बड़े टाइम तक उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया। एक जब वो डिफीट हो गए, हाउएवर दे वो ऑन, देखो ना मुगल्स क्या करते थे, जैसे मुगल्स ना बहुत ही यू ना ह्यूमिलेट नहीं करते थे, वो काफ़ी रिस्पेक्ट दिया करते थे हराने के बाद भी। तो वो क्या करते थे, वो हराने के बाद भी उनका जो लैंड था वो उन्हीं को राज करने दे देते थे कि आप अब लोग आपकी, वो ऐसा बोलते थे कि आप लोग आते हैं हम लोगों के अंदर है, वो मुगल के अंदर आते हैं, बट आप अभी भी यहाँ पर मतलब राज कर सकते हो, ठीक है, अपने वतन पे आप रह सकते हो, ठीक है, बट आप जो है अब वो हमारे अंडर आते हो। ऐसे वो ह्यूमिलेट नहीं करते थे अपने अपोनेंट्स को, ठीक है। मतलब सिर्फ उनका ये था कि वो अपनी जो एरिया है उसको एक्सटेंड करते रहते थे, इस बस इसलिए वो मतलब वो उनको हराते नहीं, हरा तो देते थे बट उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, देखो जैसा एम्पायर एक्सपेंड होगा टू एनकम्पास द डिफरेंट रीजन, द मुगल रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, जैसे जैसे हम लोग, जैसे जैसे जो भी मुगल्स थे उन्होंने बढ़ाता रहा अपना रीजन, अपना अपना एरिया, अपना एम्पायर, जैसे जैसे उन्होंने बढ़ाया उन्होंने काफ़ी डाइवर्स लोगों को भी अपने अंडर लेने लगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी टर्किश नोबल्स थे जिनको तुरानीज बोलते हैं, उन्होंने जब एक्सपेंड किया तो उसमें ईरानियंस, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत और मराठास और काफ़ी अदर ग्रुप्स भी आते थे जिन्होंने मुगल सर्विसेज को, ठीक है, जिन्होंने मुगल सर्विसेज को ज्वाइन किया और एज मनसबदार, उनको मनसबदार बोल दिया जाता था, ठीक है, दे वर कॉल्ड मनसबदार्स, ठीक। मनसबदार का मीनिंग होता है एक पर्सन जो मनसब को, जो मतलब अ पोजीशन, जिसके पास एक रैंक है, एक पोजीशन है या एक रैंक है, उसको मनसबदार बोल दिया जाता था, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम, एक ग्रेडिंग सिस्टम था बेसिकली, कौन कितना बड़ा मनसबदार होगा उसके लिए कुछ वो थे, जैसे उसकी रैंक क्या है, उसकी सैलरी क्या है और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस बेसिस पे उसको मनसब बनाना है नहीं बनाना है वो डिसाइड किया जाता था, ठीक है। और एक ना न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती थी इस रैंक और सैलरी को, जिसको जात बोला जाता था, ठीक है। जितनी बड़ी जात होगी उतनी बड़ी नोबल पोजीशन होगी तुम्हारी कोर्ट पे और उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी सैलरी भी होगी, ठीक है। जो मनसबदार थे उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती थी कि जो भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और जो कैवेली मैन है वो हमेशा रेडी होने चाहिए जब राजा को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसके जो हॉर्सेस है वो भी बिल्कुल ब्रांडेड होने चाहिए और उसके बदले में जो है उनको सैलरी मिल जाया करती थी, ठीक है, पैसे मिल जाया करते थे बदले में। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज, मनसबदार को जो उनकी सैलरीज मिलती थी वो रेवेन्यू से ही मिलती थी, जिसको जागीर बोल दिया जाता था। जैसे हमने इकतास पढ़े वैसे ही कुछ जागीर होती थी, बट जो मुक्तीज होते थे ना, मतलब मुक्तीज जो थे वो वहीं पे रहा करते थे बट मनसबदार एक्चुअली वहाँ पे नहीं रहा करते थे, ठीक है। वो उनके एडमिनिस्ट मतलब जैसे जो मुक्तीज होते थे, तो जो इकतास थी वो मुक्तीज की ही प्रॉपर्टी होती थी बट मनसबदार में ऐसा नहीं था, ठीक है। उनके पास सिर्फ राइट था कि वो उस एरिया में जाके जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको आगे जाके उसी का कलेक्शन मिलेगा फॉर द मनसबदार, ठीक है। मनसबदार डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे बना दिए थे, ठीक है। जब अकबर ने राज किया, दिस जागीर वर केयरफुली असेस्ड सो डैट रेवेन्यू वर्क, जब अकबर का आया तो ये कितना जागीर है उसको अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, ताकि जितनी
ताकि जो सैलरी है वो रफली इक्वल हो जाए, मनसबदार को जितनी सैलरी मिलती है मतलब जितना रेवेन्यू मिलता है वो मनसबदार की सैलरी से रफली इक्वल हो जाए, ज़्यादा या कम ना रहे, ठीक है। जबकि जब औरंगजेब ने राज किया दिस वॉज नो लॉन्गर द केस, ठीक है। एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो डेट वॉज लेस देन ग्रांटेड द सम, ठीक है। उसके अलावा हुआ ये कि धीरे 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 जब मनसबदार थे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए और इनको ना बहुत वेट करना पड़ता था जागीर पाने के लिए, बिकॉज एक शॉर्टेज हो जाता था ना, क्योंकि इतने सारे आपके पास मनसबदार हो गए हैं तो इतनी जागीर तो नहीं होगी ना राजा के पास, तो जो मनसबदार थे उनको काफ़ी शॉर्टेज फील करने को मिलता था, ठीक है, इन द नंबर ऑफ जागीर। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सटेंड एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल एज दे हैड द जागीर, ठीक है। ऐसे में जब औरंगजेब भी आया तब वो भी इतना वो दे दिया करता था, बट ऐसा हुआ कि एक टाइम पे कमी पड़ गई इन चीज़ों की, ठीक है। जब्त एंड जमींदार, देखो एक जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल्स के लिए डैट वॉज टैक्स, जो भी पीजेंट्री पे जो भी टैक्स लगता था वो मुगल का एक मेन सोर्स हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। ज़्यादातर प्लेसेस में जो भी पीजेंट्स थे वो अपना वो दे दिया करते थे, अपना टैक्स पे किया करते थे, किसको, जो हेडमैन होता है ना पर्टिकुलर प्लेस का, जो भी हेडमैन होता था और जो भी लोकल चीफटेन होता था उसको वो पे कर दिया करते थे, ठीक है, अपना टैक्स दे दिया करते थे। जब मुगल एक ना एक टर्म यूज किया करता था जिनको जमींदार्स बोलते थे, ठीक है, जमींदार, जिसमें सारे इंटरमीडियरीज को जो भी बीच के लोग थे, ठीक है, जिसकी वजह से टैक्स अल्टीमेटली राजा तक पहुंचता था, ये सारे इंटरमीडियरीज को जमींदार बोल दिया जाता था, ठीक है। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था तोदरमल, उन्होंने काफ़ी सर्वे किया जिसमें उन्होंने क्रॉप यील्ड प्राइजेस और कितना एरिया कल्टिवेट होता है 10 साल में, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की 1570 टू 1580। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया टैक्स वॉज फिक्स ऑन ईच क्रॉप्स इन कैश, तो कैसी क्रॉप है उस बेसिस पे कितना टैक्स उस पे जाएगा वो स्टडी किया था किन्होंने, तोदर मान ले, ठीक है। ईच प्रोविनेंस वॉज डिवाइडेड टू, एक ना रेवेन्यू सर्कल बन गया था, मतलब जितना कितना कितना रेवेन्यू होना चाहिए एक इंडिविजुअल क्रॉप पे, और इस ये जो रेवेन्यू सिस्टम का इसको जब्त बोला जाता था, ठीक है। ये जब्त कौन वो करता था, डैट वो जमींदार, ठीक है, जो भी बीच के जो भी इंटरमीडियरीज थे, ठीक है। इस टाइम पे मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सर्वे किया लैंड का और काफ़ी अकाउंट बनाया, बट ये ना गुजरात और बंगाल जैसी जगहों पे पॉसिबल नहीं हो पाया था, ठीक है, कुछ एरिया पे जमींदार्स को ना बहुत ही ज़्यादा पावर मिल गई थी कुछ एरियाज पे। द एक्सप्लोटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव देम टू रिवेलियन, समटाइम जमींदार और पीजेंट, जो कभी कभी ऐसा होता था ना जो जमींदार और जो पीजेंट थे वो सेमी कास्ट के निकल करके आ जाते थे, जो कि मिलकर फिर जो है मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, मुगल के अथॉरिटी के अगेंस्ट वो हो गए बाद में, ठीक है। वैसे ही जो पीजेंट्स रिवॉल्ट थे वो भी चेंज होता रहा मुगल जब तक मुगल एम्पायर का एंड, ठीक है, मतलब मुगल एम्पायर के उसमें अगेंस्ट भी काफ़ी लोग आ गए थे उस टाइम पे टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं अकबरनामा एंड एनी अकबरी के बारे में। अकबर के एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और उनके उनके वो उनके जो कोर्टियर्स भी थे वो, जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल को बोला गया कि उनका जब तक राज था उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा जाए। अबुल फजल ने अराउंड 3 वॉल्यूम बनाई अकबर की ही, जिसमें वो अकबर की मतलब वो पुरानी चीज़ें बता रहा था, उसमें अराउंड 3 उन्होंने ऐसी ही वॉल्यूम बना दी, ठीक है, और उनको टाइटल दिया अकबरनामा का। उसमें से जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें अकबर के एंसेस्टर्स, जो भी उनके एंसेस्टर्स थे, जो भी उनके पूर्वज थे, उनके बारे में बताया गया था, जबकि जो सेकंड वॉल्यूम थी उसमें अकबर ने अपनी राज्य के अंडर क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स किए उनको रिकॉर्ड किया गया था। और जो थर्ड वॉल्यूम था उसका नाम था एन ई अकबरी, जिसमें अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी हाउस होल्ड, उनकी आर्मी, क्या क्या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनके एम्पायर की जियोग्राफी लिखी गई थी, ठीक है। उसके अलावा ये जो वॉल्यूम्स थी उनसे हमें एक एक ग्रेट एक रिच सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या ट्रेडिशन और क्या कल्चर लोग फॉलो किया करते थे जो लोग इंडिया में रहते थे, ठीक है। एनी अकबरी का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है उसकी रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स क्रॉप्स एंड यील्ड प्राइजेस एंड वेजेस एंड रेवेन्यू, ओके।
अब नूर जहाँ का इन्फ्लुएंस हम पढ़ लेते हैं। नूर जहाँ के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नूर जहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर के कोर्ट में। सो जो मेहरुनिसा थी उन्होंने जहांगीर एम्परर जहांगीर से शादी की और नूर जहाँ का उनको टाइटल मिला 1611 में। ठीक है, वो अपने अपने मनार के लिए एक्सट्रीमली लॉयल और सपोर्टिव रही। ठीक है, एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर ने जहांगीर के जो सिल्वर के कॉइन थे उसमें एक साइड जो है उन्होंने अपनी अपनी बेगम का नूर जहाँ का नाम उन्होंने लिखाया था। ठीक है, उसके अलावा नूर जहाँ का एक ऑर्डर था जिसमें एक स्क्वेयर सील स्टेट्स में जो भी सब मतलब उनके जो भी वो कमांड करती थी नूर जहाँ बादशाह बेगम के नाम पे एक मतलब एक सबलाइन बना गया। ठीक है, उसमें जो उनका नाम था विच वॉज बादशाह बेगम नूर जहाँ बादशाह बेगम उसमें लिखाया गया। एंड द राउंड सील जिसमें लिखा हुआ था, एक राउंड सील थी एक स्क्वेयर सील थी, जो राउंड सील थी उनमें लिखा गया था द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून मे नूर जहाँ पातशाह बी अ लेडी ऑफ द एज। ठीक है, मतलब नूर जहाँ की तारीफों के पुल बेसिकली बांधे गए थे इधर। सुलह ही कुल। जहांगीर जो अकबर के बेटे थे उन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था सुलह ही कुल के नाम से। ठीक है, एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपेशन देर इज़ अ रूम ऑफ ऑल क्लासेज एंड फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड। सो इन दिस एम्पायरल डोमिनियन विच ऑन ऑल साइड वर लिमिटेड ओनली बाई द सी देर वॉज अ रूम। मतलब वो बता रहे कि कैसे हर एक रूम में हर एक चीज़ें रखी गई थी अकबर जी के लिए, मतलब हर एक रूम में अकबर ने कैसे डिवाइड करी गई थी चीज़ें। ठीक है, जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। ठीक है, एक रूम है जिसमें प्रोफेसर है, ठीक है, जो कि रिलीजन के अपोजिट है। एंड फॉर बिलीफ गुड एंड बैड एंड रोड्स टू इंटॉलरेंस वॉज क्लोज सुन्नीज एंड शियाज मेट इन द मॉस्क्यू एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज ऑन द चर्च टू प्रे ही कंस्टेंटली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल पीस। मतलब अकबर चाहते कि थे कि यूनिवर्सल पीस हो। ये अकबर के बेटे जहांगीर अपने वर्ड्स में बता रहे अपने फादर की पॉलिसी। ठीक है, सेवनटीन सेंचुरी और उसके बाद मुगल एम्पायर क्या था। ठीक हो, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। ओके, उस टाइम पे बहुत इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आया करते थे बिकॉज उस टाइम पे ये देखा जाता था कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ द वेल्थ। इतना वेल्थ था हमारे सब कॉन्टिनेंट में। बट वही सेम विजिटर्स ये भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी है इस सब कॉन्टिनेंट में, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ भी हैं। ठीक है, फिर ट्वेंटीथ ईयर था शाहजहाँ की रीन का, तभी इन्फॉर्म किया गया कि जो मनसबदार है सिर्फ 445 मनसबदार को ही रैंक दिया गया है, जबकि टोटल तो 8000 हैं। ठीक है, 5.6% ही थे टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, जिसमें से 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेशन रेवेन्यू एम्पायर एज सैलरीज। मतलब एम्पायर कितना कमाते थे उसमें से तो 61.5% तो उन्हीं को दे, उन्हीं सिर्फ 61.5% 5.6% ऑफ मनसबदार को चला जाया करता था। ठीक है, द मुगल एम्परर एंड द मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील फॉर देयर इनकम एंड सैलरी ऑफ गुड्स बिकॉज उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, इतने सारे मनसबदार थे बट इतना आउटपुट तो नहीं बन सकता है ना अल्टीमेटली। इसकी वजह से जो आर्टिसंस थे, जो पीजेंट्स थे, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनका भी एक्सपेंडिचर में हमें थोड़ा फायदा देखने को मिलता है। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू क्रिएशन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्योंकि वो बढ़ गया था अल्टीमेटली। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को तो ज़्यादा लोगों को पे करना है। ठीक, फिर जो पुअरेस्ट थे वो बहुत ही पुअर ही रहे, बहुत ज़्यादा पुअर होते चले गए उस टाइम पे भी। ठीक है, और बहुत लेस प्रोडक्टिविटी हो गई, और अगर हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए तो और टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई थी बट वो हो नहीं रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आर्टिसियंस ग्रुप था जहाँ पे आर्ट आर्ट वाला जो ग्रुप था उधर हमें थोड़ा देखने को मिलता है कि वो इकोनॉमिक वर्ल्ड में थोड़ा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्स कमांडेड द मुगल अलाइट
मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th century. ठीक है, धीरे 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 जो है मुगल एम्पायर अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था. उनके जो सर्वेंट्स थे वही पावरफुल सेंटर्स बन रहे थे. ठीक है, रीजन के दे कंटिन्यूड, उन्होंने उन्होंने नई डायनेस्टी बना दी. ठीक है, और अपनी ही कमांड्स में आ गए, जैसे ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. सो बाई द 18th century द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर हैज़ कंसोलिडेटेड एंड इंडिपेंडेंट पोलिटिकल आइडेंटिटीज. ठीक है, सो यस डेट इज इट. सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मुगल एम्परर है दिल्ली पे, मतलब देखो ऑल दो दे कंटिन्यूड एज द रिकोगनाइज, मतलब उनको अभी भी दिल्ली के एम्परर ही उनको बोल दिया जाता था, बट 18th century में ना उनका जो एम्पायर था वो कम हो रहा था, ये चीज़ दिख रही थी. ठीक है, सो यस डैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.